हेलो फ्रेंड्स, आदाब, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक से होंगे, फिट फट होंगे, खुश होवोगे, पॉजिटिव होवोगे। सो आज का वीडियो जो इसके बारे में है, जो ये गुलदौदी के प्लांट है, मैंने ये नेट के नीचे ये मैंने सेव कर रखे हैं। सो इनकी कैसे ही टेक केयर करनी है, इसको क्या फर्टिलाइज़ देना है। देखें, इसमें जो सॉलिड फर्टिलाइज़ वो तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे बहुत घने प्लांट है। ये देखें, बहुत ही घने प्लांट हो रखे हैं, तो इसको लिक्विड ही देंगे। ये देखें, दोबारा से इसको जो बड है आने लगी है। मेरे को कोई जाना बताएगा, आपने बताना कि इसको मैं तोड़ दूँ कि खिलने दूँ, क्या करूँ इसका। सभी फ्रेंड्स जानते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गार्डनर हैं। जे भी कोई मेरी वीडियो देखे तो मेरे को बताए कि इसका क्या करूँ मैं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी इसकी जो हो रही है ब्रांचेज, इसको काटूँ या ना काटूँ। तो ये सारी मैंने गुलदौदी सेव कर रखी है नेट के नीचे, बहुत ही मुरझा जाती है। यहाँ नेट के नीचे भी मुरझाई पड़ी है, तो इसको हम आज फर्टिलाइज़ करेंगे अपने हिसाब से। मैं करूँगी तो लिक्विड फर्टिलाइज, एक तो यह ठंडी वाली खाद है जो तरबूज के जो है, पिछले दिन से पिछली वाली रात, इसको दो रातें और दो दिन हो गए भिगोए हुए। एक तो मैं ये डालूँगी, यह सीधा ही ऐसे ही डाली जाती है, ऐसे पानी से निकाल कर ऐसे ही डाल देते हैं इसको सीधा ही। तो एक ये है किचन वेस्ट की खाद है मेरे पास, ये देखें, ये बोरी में डाल के किचन का वेस्ट इसमें रखा है। एक ये देंगे, ये डाइल्यूट करके देंगे हम। तो बाकी का जो है, ये है मेरे पास बायो एंजाइम, ये देखें, ये बायो एंजाइम है। इसको छान के पुन के स्प्रे बॉटल में डाल के इसका स्प्रे करूँगे, करेंगे पत्तों के ऊपर, क्योंकि इसमें जो यहाँ यहाँ ना, इसके नीचे यहाँ यहाँ से पत्ता निकलता है, वहाँ मिली बग्स होते हैं थोड़े बहुत। वैसे तो मैं लगने नहीं देती, बीच बीच में 10 डे के वक्फे से मैं देती रहती हूँ, इसको स्प्रे करती रहती हूँ। अब मेरे को समय नहीं मिला, तो अब मैं आज करूँगी इस पर स्प्रे। तो इसी तरह से ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ छोटे मेरे ये DIY पॉट थे, तो ये कब के बना के रखे थे, इसमें मैं ये लगाऊँगी सिंगोनियम, क्या बोलते हैं इसको। ये देखें इनकी कितनी बढ़िया रूट हो रखी है, ये स्नेक प्लांट है। इसको मैंने पानी में रख दिया था ऐसे, तो इन तीनों मैं स्नेक प्लांट लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हमारी वीडियो में, सुखी रहिए, खुश रहिए, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो। आइए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। एक बार फिर से जी आया आप बोलती हूँ। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, ये मैंने इसमें ड्रेनेज होल बना रखे हैं। ड्रेनेज होल बना के हमने इसमें मिट्टी डाल के रख ली है। इसमें थोड़ा सा पॉलीथीन जो होता ना, वो फाइबर वाला, वो लगाया है मैंने। तो इसमें हम ऐसे गड्ढा करेंगे, और जो जो रूटिंग हो रखी है इसके, जो कोई भी है ये ऐसा होता है ना, जो हरियावल सी काई सी, इसको उतार देंगे और इसको सीधे इसमें मिट्टी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, इतनी सारी जड़ियाँ आ रखी है, तो हो ही नहीं सकता, भगवान की कृपा से ये चलेगा ही चलेगा, ये हो ही नहीं सकता, ये सूख जाए। ये हमारा रिपोर्ट हो गया जी एक, इसको अच्छे से दबा देंगे साइडों में से। इतना भी ज़्यादा नहीं दबाना कि इसकी जो रूट है वो डैमेज हो जाए। ये मैंने एक लगा दिया, और एक अच्छा सा और देखती हूँ। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी जड़ियाँ हैं इसके, इसको लगाते हैं। ये इसका सड़ा हुआ पत्ता है, इसको काट देंगे जो सड़े हैं। इसको बड़े वाला गड्ढा करके, ये पूरी इतनी इतनी रूट है जितनी, ये सारी इसमें घुसा देंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें लगा दी है, ना चाहते हुए भी कोई ना कोई रूट डैमेज हो ही जाती है, कोई बात नहीं, ये चलेंगी चलेंगी। ये फ्रेंड्स जैसे ना ये उड़ते फिरते हैं ना, ये नहीं होता छह पत्तियाँ,
कैलिस्टोनिया बोलते हैं शायद, ये उसके सीड है। मेरे यहाँ ये यहाँ भी मैं दबा दूँ कहीं, वहाँ वो छः पत्ती का जो प्लांट होता है वो निकल जाता है। ये देखिए ये सीड है, हवा से जो उड़ता फिरता है। तो इसको जाने देते हैं, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने ऐसी बताने लग गई। तो फ्रेंड्स ये भी मेरा रिपोर्ट हो गया, इसको रख देते हैं यहाँ। और ये मेरा येलो वाला है, ये बॉटल की जो फंटा की आती है ना बॉटल, उसका बीच में से ऐसे टाइट होता है, उतना पोर्शन निकाल देते हैं, एक ऊपर से प्लांटर बन जाता है। और ये नीचे का ये बहुत ही अच्छा शेप होता है ऐसे, इसका मैंने नीचे का भी प्लांटर तीन बना लिए, तीन बोतलें थी मेरे पास। और एक और अच्छा सा देखते हैं हम, जिसकी ज़्यादा रूटिंग हुई, इसकी कम हुई हुई है रूटिंग, देखें यहाँ से भी रूटिंग हो रखी है ऊपर से। तो ये देखते हैं इसकी है, ये भी ठीक है, ये तीनों ही ठीक है। तीन चार और प्लांट पड़े हैं मेरे पास, ये भी लगाऊंगी। ये जो सड़ा हुआ पोर्शन है इसका, ये ऐसा इसको निकाल देते हैं, ये लगा देते हैं इसमें, इसमें ज़्यादा रूट्स आई हुई है। तो रूट्स को दबा देंगे नीचे मिट्टी में। और ये देखो ये फ्रेंड्स हमारी होगी, इसमें हाथ धो लेते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देते हैं पानी। पता नहीं कितने दिनों की पई है, डस्ट से भरी पड़ी थी। ये देखें इसको, अब हम कहीं भी सीढ़ियों में, जहाँ कहीं छोटी जगह होती है वहाँ पे रख सकते हैं। हमारे सीढ़ियों में जो मैंने रख रखे अपना ढूंढ के, अभी मैं कराऊँगी कभी टूर जब मेरे को समय मिला। अभी मैं जो बालकोनी है उसमें भी रखे हैं, सीढ़ियों में रखे हैं, वो उनका मैं कर रही हूँ मेकओवर, जब मेरा हो गया तो मैं दिखाऊंगी। ये देखें ये मेरे पास ये ऐसी पड़ी सी, इसमें मैंने ये रख दिया है, जैसे देखो कितने खूबसूरत लगते हैं ना। ऐसे सीढ़ियों में जगह हो वहाँ चाहे तो इसमें रख के रख दो, जो कोई बड़ी जगह हो, जो छोटी हो तो एक एक प्लांट हम रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अब क्या करते हैं हम, ये है मेरे पास बायो एंजाइम है, इनका हमें स्प्रे कैसे करना है ये हम इसको छान लेते हैं पहले। ये देखें इसमें बहुत सारी गैस ऐसे बन जाती है, ऐसे घोलते हैं ना तो इसमें बहुत सारी गैस बन जाती है। ये देखिए ये बहुत दिनों का है, पुराना वाला लिक्विड है मेरा, छान के वैसे रखा था मैं, जब मैं स्प्रे करती हूँ तो एक बार और छानती हूँ उसको। इसका हम चार पाँच गुना पानी डालेंगे, पता जो हम जड़ों में देते हैं उसमें तो कम पानी हो तब भी चलेगा, जो फोलियस पे स्प्रे करना है उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना, चार पांच गुना तो डालना ही है। ये देखिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास पानी है, ये इतना मेरे पास लिक्विड है और बाकी का हम इसमें पानी डाल देंगे, इतना पानी बहुत है। वैसे चार पांच गुना नहीं हुआ, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें पानी डाल लिया, और ये मेरी स्प्रे बॉटल है। एक पौधा इधर उठा के मैं आपको स्प्रे करके बताती हूँ कैसे करना है हमको। मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं है, नहीं तो मैं सारी स्प्रे करती तो वीडियो भी हो जाता ना, फिर अकेली स्प्रे का ही वीडियो हो जाना था। तो इसीलिए मैं ना एक पौधे को आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बायो एंजाइम है, ये देखिए ये मेरे पास है गुलदौदी का पौधा। ये देखिए ये है ना, जैसे ये चिंटियाँ लगी है इसके नीचे, इसके नीचे मीली बग्स के छोटे छोटे जो होते हैं ना जी होते हैं, ये वाइट वाइट से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे स्प्रे करेंगे, ये काफ़ी दिनों से सूखी पड़ी ना स्प्रे बॉटल, अभी चल नहीं रही, ये चलने लगी। ये देखें अच्छे से करेंगे स्प्रे, और आपको दिखाऊं यहाँ यहाँ मीली बग होते हैं, यहाँ यहाँ नीचे से ऐसे ऐसे करके, वैसे इन पूरे फोलियज पे हम स्प्रे करेंगे सभी पौधों में। हम एक दो आपको करके दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें मीली बग का क्या कोई भी ऐसा जो कीट है नहीं रहेगा, इंसेक्ट नहीं रहेगा, जो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी कीड़ा वीड़ा कुछ भी नहीं रहेगा। तो फोलियज पे ऐसे इस पे चमक भी आएगी, और बहुत ही बढ़िया से ये बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज भी है, फंगीसाइड भी है, बायो एंजाइम। ये हमारा हो गया। अब
ये है मेरा कैलन कोई का है मेरा प्लांट, ये सारा ही सूख गया था। अब इसके नीचे से जो बेबी निकलने लगे हैं जी, तो इस पर भी कर देते हैं, इसको भी लगते हैं मेली बग्स। ऐसे बीच बीच ना ऐसे हटा हटा के पत्तों को ऐसे बीज करना चाहिए, नीचे से बीज से जहाँ से पोलियस निकलते हैं प्लांट से पत्ते निकलते हैं लीव्स, वहाँ से ये अटैक करते हैं। ये हो गया हमारा, इधर रख देती हूँ। तो ये मैं स्प्रे बाद में करूँगी फ्रेंड्स, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे ये हमारा गुलदौरी का प्लांट है, ये सूखा पड़ा बिल्कुल, ये देखिए सूख गया ना, बिल्कुल सूखा हुआ है। इसमें हम ये जो है अपना ये इसका फर्टिलाइज़र जो इसका क्या बोलते हैं इसको, तरबूज का, ये तरबूज के छिलके हैं इसके, इतने इतने बड़े हैं इस बाल्टी में। ये इसमें भी आ गया एक, इसको हटा देंगे हम, ऐसे ही डाल देंगे इसको, ये तरबूज का छिलका हम हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमको ये पानी चाहिए, ये पानी, ये शरबत चाहिए। हम अपने जो प्लांट्स हैं उनको ये शरबत पिलाते हैं वाटरमेलन का, ये इसमें हम डाल देंगे। अब बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है ये, ये लिक्विड वाली फर्टिलाइज़र है, ठंडी खाद बोलते हैं जिसको। ये इसमें हो गया मेरा, जितने भी मेरे सूखे प्लांट हैं सब मैं दूंगी, ये देखें सब मैं दूंगी ऐसे, ये देखें जो भी घास पतवार है। ये रेन लिली का मेरा प्लांट है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, ये भी धूप में पड़े थे पहले, हमने इधर नेट के नीचे रखे हैं ये। ये देखें अब ऐसे ही सभी प्लांट्स में, ये जो गुलदौदी के हैं ना हमारे, ये गुलदौदी के प्लांट हैं, ये देखें इन सब में हम ऐसे स्प्रे करते हैं। अब थोड़ी धूप है, वैसे इसको मेरे को शाम को समय नहीं रहता ना, शाम को वीडियो भी नहीं अच्छी बनती, तो इसको ना जो है हमको करना चाहिए शाम को या सुबह को। अब जो है हम ये करेंगे, ये मेरे पास पानी है लगभग लगभग 5 लीटर है, ये देखिए ये मेरे पास पानी है, और इसमें हम ये डाल लेंगे, इसमें से जो किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट की जो कंपोस्ट है, ये देखो, ये देखिए बढ़िया वाली, बहुत ही कीमती, थोड़ी स्मेल तो आती है पर इतनी ज़्यादा भी नहीं आती, भी हम सहन नहीं कर पाते। ये देखिए इसका हम एक मग इसमें डाल लेंगे, ज़्यादा भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं चाहे। ये देखिए ना हमने इसमें पानी में डाइल्यूट कर लिया ना इसको, ये देखें इसको अब क्या करेंगे हम, सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा देंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, ये है हमारा पांडा फाइकस, ये मेरा कोई बेलदार सब्जी जो होती है ना, ना फलियां वाली होती है, उसका प्लांट है, फलियां पता नहीं कब आएगी इसको, इसमें भी डाल देते हैं, इनमें सब में, इसमें इसमें, ये डालता है, ये सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा है, इसमें डालते हैं। इसमें डाल देते हैं, ये भी जो लिक्विड है इसके खाद, ये भी डाल सकते हैं हम इसमें। ये दोनों खाद, जो दोनों फर्टिलाइजर हमने देना है हम दे देंगे। तो अब वीडियो लंबी नहीं करते हम, इसको वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स। हमको आज की वीडियो में यही दिखाना था फर्टिलाइज कैसे करना है, फंगीसाइड की जगह के क्या लेना है, क्या देना है, ये सब करना था हमको, मैंने आपको बता दिया। तो
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक कर दियो, ज़्यादा अच्छा लग गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा, आप हंसते मुस्कुराते रखो, भगवान आपके सिर पे सब के ऊपर सिर रखे, हाथ रखे सिर के ऊपर। सो कल मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया के साथ, मिलते हैं फ्रेंड्स कल को। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।